अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। बात कुछ यूँ है कि आज हम जा रहे हैं ना सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, सोचा थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले आए। ठीक है, तो सब्ज़ी लेके आते हैं और आपको मंडी का विज़िट करवाते हैं और रेट चेक करवाते हैं यहाँ पर क्या है, मतलब भिंडी कितने रुपये किलो है या गोभी, गाजरें, मटर। मटर तो खैर नहीं आते यहाँ पर, बाकी बात जो सब्ज़ियाँ हैं मतलब उनके क्या रेट्स होते हैं यहाँ पर। जनाब चेक करें, सब्जियों के रेट अभी तक डाउन नहीं हुए। भिंडी कभी 16 रियाल होती है, कभी 8 होती है, लेकिन आज 8 रियाल मिल रही है। वो भाई पहले कह रहा था कि ये वाली 8 रियाल की है, ये वाली, लेकिन अच्छे वाली देना है, अच्छा अच्छा देना। आज वो ये दे रहा है हमें 8 रियाल की, ख़राब ना हो। ये प्याज जनाब, प्याज है 8 रियाल का, 3 किलो है इसमें। कितना देना है? लेना है 1 किलो है कूसा। ये कूसा भाई नीचे से बारीक बारीक डालना है, ये मौसम, ये तू मोबाइल ले ला, मैं बनाना। ये जनाब इसको कूसा कहते हैं अरबी में, कूसा। भाई अब कितना है दे रहे हो, कितना किलो दे रहे हैं? 5 तो वो दे रहे हैं यार भाई। इसमें टमाटर क्या रेट है? अच्छा टमाटर ख़राब है भाई इसमें, आप देखो यार। कितना है भाई? नहीं भाई लेमन खराब है ना उसके पास यार, लेमन बीच में खराब भी तो है यार। भाई रुको, वो खराब है भाई, भाई खराब है, वो खराब है, मैं देखा हूँ उसमें, देखो खराब है। ये लो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये लो। ये भी भाई 4 रियाल की है यार, 3 का हो गया अभी, ठीक है, डिस्काउंट हो गया भाई। कितनी कितनी सब्जी कितनी हो गई? 2 हो गई हैं, एक और लेनी है यार बस। भाई बैंगन क्या रेट है? ये भी दे दो यार 1 किलो। बैंगन ढीला ढाला है भाई, क्या हुआ इनको, बीमार है ये? ये लो, हो गया होगा ना, 1 किलो बस चाहिए, ज्यादा नहीं। ये जनाब मिर्ची का रेट चेक करें, पाई है 5 लाख। नहीं भाई सेब केला नहीं चाहिए, 4 रियाल है यार। बस हो गया सामान, कहाँ चाहिए? अब टोटल बताएं भाई कितने बन गए यार इनके। भाई मंडी चेक करो यार, आदमी अच्छा खासा है, आज काफ़ी रश है, रश की वजह जुमा है, जुमे के दिन रश ज़्यादा होता है। यम्बो सिटी की मंडी है अभी इसमें जगह खाली भी है काफ़ी सारी इधर। ये इंटरनेशनल डे था उसकी वजह से वो थोड़ा गुब्बारे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जनाब सब्ज़ी की शॉपिंग जो होगी मुकम्मल, अब हम करेंगे जाके गोश्त की, ठीक है। ये सब्ज़ी बनी है टोटल सारी जो है 50 रियाल की, 60-70 रियाल की टोटल सब्जी है, 3 शापरों में सिर्फ, ठीक है। और इतने में बंदा पाकिस्तान में ना आधी मंडी ले आता है, आधी मंडी वाली बात ना। मंडी की कंडीशन चेक करें, ऐसे नहीं लग रहा जैसे किसी एयरपोर्ट की कंडीशन होती है, साफ सुथरी है। साथ में किराने की दुकानें भी बनी हुई हैं, आइटम भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, मेहरान और शान की भी है। ये तो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है लगता है, मतलब पाकिस्तान का मेहरान ही ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, और मेहरान का कड़ी पाउडर ये ज़्यादा मशहूर है। मंडी के अंदर ही गोश्त की दुकान है उसमें। भाई थोड़ा सा पीछे ना ये चेक करें, ये जैसे पोस्टर में लगा हुआ ना वैसे ही ऊपर लटका हुआ है। और जनाब यहाँ गोश्त ये नहीं होता कि वो आपको हड्डी डाल के दें, ठीक है, आए आपको चेक करवाते हैं यहाँ गोश्त किस तरह देते हैं। सही है जनाब, वो बकरे का जो गोश्त है ना, ये गाय वाला जो गोश्त है, इसमें वो कह रहा है कि हड्डी नहीं होगी आपको मिलेगी, और बकरे वाले में हड्डी होगी, ठीक है। वो बकरे वाला जो है वो भी 45 रुपये किलो है, ये भी 45 रुपये किलो है, ये एक जनाब जबरदस्त। हाँ भी मोहसिन है, 45 रुपये किलो कह रहे बकरे का भी, दूसरा भी, दोनों बकरे वाले हड्डी होगी, वो हड्डी नहीं होगी, बस यही फर्क है।
ये जनाब हैं।